नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग प्रसाद नगर झील के पार्क में एकत्रित हुए। हमारे साथ योगा की आपका शुभ। मैं संतोष सेवालिया हूँ, जिला चांदनी चौक से महामंत्री रही हूँ। और मेरे साथ हैं हमारी योग प्रचारिका बहन संगीता जी, जिला रोहतास नगर से। हाँ जी, आप लोग मिले हैं। पतंजलि का कैंप लगा रहे हैं 5 दिन का निःशुल्क, और ये आप लोग हर जगह दिल्ली में लगा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। हम स्वामी जी से जुड़े हैं। मैं संतोष सेवालिया स्वामी जी से 2006 में जुड़ी थी। हरिद्वार से हमने ट्रेनिंग ली थी स्वामी जी के द्वारा, तो तब से हम लगातार जगह जगह पर हम अपने जिले के हिसाब से बटे हुए हैं। तो हर जिले में अपने अपने मैनेजिंग कमेटियां बना रखी हैं, समितियां हमारी बनी हैं, उसी के हिसाब से अपने अपने जिले में हम योग करवा रहे हैं। तो ये योग प्रचारिका की हुई है स्वामी जी के द्वारा। हमारी बहन संगीता जी है जो हमारे जिला चांदनी चौक की योग प्रचारिका है। 5 दिन का शिविर ले रहे हैं। जिला इनका वैसे रोहतास नगर है, पर अभी हमारे जिला में करवा रही है 5 दिन का सर्व रोग निवारण शिविर हमने लगाया है, जो कि निःशुल्क है। इसके अलावा हमारी जी पार्क में लगातार क्लास होती है, शिविर के बाद ही रखते हैं हम। तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा एफर्ट हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो योगा के बारे में स्वामी जी इतना कुछ बता चुके हैं कि हमें और कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। हर आदमी कॉन्शियस है, सुबह 6 बजे उठ के सभी योगा करते हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि सही विधि के अनुसार योगा को कर लिया जाए, तो इसी में थोड़ी सी कोशिश हम कर रहे हैं। ये हमारी कक्षा है, आज बारिश के कारण कक्षा खत्म हो गई है, अदरवाइज संख्या हमारी 50-60 से भी ज़्यादा की हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो योगा है वो नियमित रूप से लोगों को करना चाहिए, और कम से कम कितने समय, आधा घंटा काफी रहेगा अगर लोग रोज करें? जी, योग के लिए कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, लेकिन अगर जिनके पास टाइम है तो 1-1.5 घंटा रोज करें। तो योग जैसे हम खाने को अपने नियमित जीवन में लेकर आते हैं, वैसे ही योग को भी हमें अपने नियमित जीवन में लाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो योग के लिए यही कहना चाहेंगे। और मेरा काम है, मैं योग प्रचारिका हूँ पतंजलि की तरफ से, संगीता योग प्रचारिका। तो मेरा काम है जगह जगह 5 हफ्तों से कैंप लगाना। अपने अभी जैसे योगा में आप लोग सिखा रहे हैं, व्यायाम है ज़्यादा, उसके अलावा जो लोगों की आजकल दिनचर्या है उसके बारे में कुछ बताएं, और ये क्या भोजन वो लोग लें? हाँ जी, इसके बारे में हम सभी बताते हैं। और शाम को मेरी यहाँ पे आरोग्य सभा भी लगती है, जिसके बारे में लोगों को आयुर्वेद के बारे क्या में समय होता है? उसका समय है मेरा 3:00 to 4:30 तक, इसी पार्क में, इसी जगह, इसी पार्क में, इसी। और वो 5 दिन जब आप लोग कैंप लगा रहे हैं उसी टाइम लगा? जी, कंपल्सरी शाम का होता है। तो उसमें लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी, घरेलू उपचार के बारे में जानकारी, एक्सरसाइज के बारे में जानकारी, और नेचर ने जो हमें इतना कुछ दिया है, जो प्रकृति ने इतना दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, उसके हम किस बीमारी में क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस सब के बारे में बताते हैं। एक बार हम लोग देख रहे हैं इस पार्क के बाहर में एक स्टॉल लगा है, जहाँ पे शायद वो लोग कुछ जूस वगैरह निकाल रहे हैं करेले का। क्या ये फायदा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। जैसे शुगर में खीरा, टमाटर, करेले का जूस पिया जाता है। जिनको एसिडिटी है वो लौकी का जूस पीते हैं, किसी को कैंसर है वो ज्वारे का रस पीते हैं। मतलब हर रस में एक अपनी बीमारी की क्वालिटी। जिस आदमी का शरीर ठीक है, क्या वो ज्वारे का रस पी सकता है? बिल्कुल पी सकता है। क्या फायदा होगा उससे? बहुत फायदा है। उसके जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो तेज होती है, जो उसके अंदर छोटी छोटी भी कोई भी कमियाँ है वो उससे दूर होती है, खून की कमी दूर होती है। अब आपका अगला कैंप कब लगाएंगे? मेरा अगला कैंप मेरे जिले में रोहतास नगर में ही है, और रामनगर में। उसकी तारीख अभी? हाँ, बता पाएंगे उसकी तारीख? ये मेरा 17 को खत्म है, तो मुझे कंटिन्यू लगाने होते हैं, तो वो 18 तारीख मेरा प्रसाद नगर अब कभी दोबारा अगले साल या इसी साल दोबारा जी, अगर ये लोग चाहेंगे तो, अगर बुलाना कहीं चाहेंगे तो मैं बिल्कुल इनके लिए तैयार हूँ हर समय। धन्यवाद। संजय अग्रवाल, प्रसाद नगर। आपने नहीं चलाना है, अभी तक हम अपने हिसाब से सांसों को चला रहे थे,
अब सास को जैसे चल रही है उनको वैसे चलने दे। बैनर लगाएंगे क्या सर? बैनर भेजिए बारिश के। अच्छा नहीं तो लगा दें, उसकी भी फोटो ले लेंगे। बैनर तो अभी पास तो नहीं अवेलेबल, बाद में कल ले लेंगे उसकी। ओम सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन आप लोगों की बिल्कुल सीधी। मैं हर रोज आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी बैठेंगे खड़े होंगे हमेशा अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। इससे क्या फायदा है कि हमारी बैकबोन जो है उस पर कम असर पड़ता है। सही कम से कम रीढ़ की हड्डी पे हमारा फर्क पड़ता है, उसे रीढ़ की हड्डी पे हमारा ज्यादा जोर नहीं पड़ता, रीढ़ की हड्डी पे ही हमारा पूरा शरीर जो है वो टिका हुआ है। तो कम से कम प्रेशर डालें, इसके लिए हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं। सीधे बैठने से क्या होता है, हमारे फेफड़े खुले रहते हैं, हमारे जो सांस लेने की क्रिया होती है वो सीधे हमारे फेफड़ों तक जाती है और वहाँ से सीधे बैठते हैं। तो जब सांस लेते हैं 2.5 सेकंड का समय लगाकर नासिका के द्वारा श्वास को अंदर खींचते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा हर एक प्राणायाम का हर एक फायदा है। जैसे भस्त्रिका का प्राणायाम जो है वो खून को छानने का काम करती है, छानने के बाद वो सही जगह पर खून को पहुंचाती है। उसी तरह हमारा कपालभाति प्राणायाम है, उसके जो हर एक प्राणायाम के अलग फंक्शन है, उसका जो मेन फंक्शन है वो हमारे शरीर की गांठों को डिजॉल्व करता है, मतलब धीरे धीरे गांठों को पिघलाना शुरू करता है। तो हमें करना चाहिए कपालभाति। कपालभाति को कपालभाति इसलिए कहते हैं, कपाल माने माथा और भाति माने चमक। इसको करने से चेहरे पे, स्किन पे, माथे पे चमक आती है। करते रहिए, आंखें मत खोलिए, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र जो बिंदु या तिलक होता है उसके बीच के स्थान को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और श्वासों के आवागमन के ऊपर अपने ध्यान को रखिए। धीरे धीरे आप ध्यान में चले जाएंगे, श्वासों के आवागमन के ऊपर ध्यान को केंद्रित रखिए। कौन सा प्राणायाम कर रहे हैं अभी आप? ध्यान लगाया हुआ है, ध्यान। धीरे धीरे ध्यान का अर्थ होता है धीरे धीरे अपने आप को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना ही ध्यान होता है। ध्यान जब आपका लगने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे शरीर में आते हैं, लगातार शरीर में विचार आते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं, बुरे भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो धीरे धीरे बुरे विचारों का आना अपने आप समाप्त होता है, इसके लिए हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे नेगेटिविटी खत्म होने लगती है, नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं और सकारात्मकता के साथ पूरा शरीर हमारा भर जाता है, शरीर के साथ आत्मा में भी सकारात्मकता होती है। और जब हम ध्यान की क्रिया में पहुंचना शुरू होते हैं तो शरीर हमारा एकदम हल्का और फुल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा। आपको अपने शरीर से गुमान नहीं होता, बिल्कुल हल्का होता है और आप एक तरह से शारीरिक से अशरीरी हो जाते हैं। अशरीरी मतलब आप पूर्ण रूप
से अपने शरीर को भूलकर आत्मा में विलुप्त हो जाते हैं। ये होता है हमारा ध्यान, ध्यान प्राणायाम। सुन रहे हैं ये? करते रहिए ध्यान को, कोशिश कीजिए, आंखें बंद रखिए, देखो थोड़ा सा ना अपनी एकाग्र शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है, दुनिया कहीं नहीं जा रही दो मिनट में। आप पूर्ण रूप से ध्यान भी केंद्रित कीजिए। आज हमने मंत्र उच्चारण नहीं किया तो मंत्रोच्चारण कर देते हैं। आंखें बंद रखिए, कमर गर्दन सीधी, गहरा सांस लेंगे और पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे तीन बार। आंखें बंद रखिएगा, कृपया आंखें बंद रखिए, दुनिया कहीं नहीं जा रही, प्लीज आंखें बंद रखिए। गहरी सांस, फिर से श्वास को खींचेंगे नासिका के द्वारा, एक बार फिर से श्वास को खींचेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान्। ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, ध्यान में आंखें बंद। हाथ ऊपर उठाएंगे सभी, हाथों में घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपने माथे पर, आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। आज योगिंग जोगिंग नहीं हुई है ना, तो अभी खड़े होकर सभी योगिंग जोगिंग करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? चलिए खड़े जाएंगे सभी अपनी अपनी जगह पर। कोई नहीं, योगिंग जोगिंग हल्का हल्का कर लेना, ठीक है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सामने, एड़ियां पीछे, हिप से लगती हुई।
अब दोनों हाथ कमर पे ऐसे घुटना ऊपर लेके आइए। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर एकदम सीधी। दोनों पैर खोलेंगे, हाथ सामने बिल्कुल सीधे और एक पैर को मोड़ते हुए मोड़िए। हाँ, इसी तरह कमर नहीं झुकाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी। अब दोनों हाथों को जैसे हमने घुटना मोड़ा था वैसे ऐसे मोड़ते हुए दोनों पैर मिलाइए।
भी करती रही हूँ। अब हाथ मार दोनों पैर आ गए, माथा दोनों से